What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. So, आज है 25 सितंबर और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और आप लोगों को लग रहा होगा भाई संडे है, मॉर्निंग है, इतनी जल्दी उठ गए तो फिर ये फॉर्मल्स क्यों पहने हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ. आज संडे तो अपने संडे राइड नहीं कर रहे हैं, बट इक्वली टू दैट करने वाले अपने जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज संडे है एंड आज मेरा वर्किंग है. वर्किंग इन द सेंस कि आज मेरी इवेंट है एंड इवेंट के लिए मुझे जाना है रांचड़ा अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर एग्जैक्टली एंड निकलते हैं घर से. बट अपन ने पहना हुआ है फॉर्मल्स, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर एंड शूज. बट आज करने वाला हूँ मैं व्लॉग भी साथ में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत लोगों को नहीं पता कि इवेंट लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. एंड ये रहा अपना हेलमेट, बैग और कुछ अपने पावर बैंक ले रहे, एक्सेसरीज ले रहे साथ में, और मेरा चार्जर भी ले रहे सामने है क्योंकि इवेंट में पता नहीं मैं कब वापस आऊँगा. लाइक लेट नाइट हो जाएगा मेरे को आते आते, लाइक 11:30 हो ही जाएंगे. एंड बाकी निकलते हैं घर से एंड आप लोगों को मिलता हूँ सीधा मोटर व्लॉगिंग पे. एंड आज मेरे एक फ्रेंड भी मेरे को ज्वाइन करने वाला है तो साथ में चलेंगे एंड आप लोगों को मिलता हूँ मोटर व्लॉगिंग पे. माइक चेक एंड गाइस राइट नाउ इट्स 7:45 एंड निकल रहा हूँ घर से एंड ब्रिजेश ऑलमोस्ट पहुँच गया. फ्यूल की लाइट वापस आ चुकी है एंड आफ्टर फ्यूलिंग 220 किलोमीटर्स बाइक चल चुकी है एंड 414 मिनट्स बाइक चली हुई है. तो यस लेट्स रोल फ्रॉम यह एंड चलते हैं, ब्रिजेश को पिक करते हैं एंड फिर चलते हैं अपना रांचड़ा. सो घर से निकल गए और ब्रिजेश को भी मैंने कर लिया है पिक एंड अभी हम लोगों को रूट लेना है SP रिंग रोड वाला. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे राजपथ क्लब. राजपथ क्लब से बाजू में एक रोड जाता है जो डायरेक्ट SP रिंग रोड से कनेक्ट करता है, बीच में भी कनेक्ट करता है, बट वो वाला रोड है वो थोड़ा सा अच्छा है तो उसी के लिए मैं सोच रहा था वो वाला रूट ले ले. बाकी आज का ये वाला जो व्लॉग रहेगा अ डे इन माई लाइफ का व्लॉग रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स काम कैसे करते हैं, इवेंट प्लानर्स कैसे काम करते हैं, किसी सबसे क्या रहता है क्या नहीं, तो वो सब कुछ आप लोगों को ये वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा. तो मोटर व्लॉगिंग कम रहेगा. बाकी चलते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि मैं व्लॉग कहाँ से कंटिन्यू करूँगा. सो राइट नाउ वी गाइज रीच्ड एट द SP रिंग रोड और यहाँ से और 20 किलोमीटर है तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी कंटिन्यू कर देते हैं यहीं से. तो लाइक मेरी प्रोफाइल के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ. तो लाइक मी एंड ब्रिजेश विल बी दी पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड टीम. एक्सटेंडेड टीम क्या होती है कि जो कोर टीम रहती है उसके अलावा भी टीम रहती है जो इवेंट एग्जीक्यूट करने में कोर टीम को हेल्प करती है ताकि उनकी जो इवेंट है वो एकम्प्लिश्ड हो एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो. एंड वो एग्जीक्यूशन का हेड मैं हूँ एंड एग्जीक्यूशन जो कुछ भी रहता है वो मेरे हाथ में रहता है. लाइक पहले से लाइक जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो एग्जीक्यूशन का रहेगा वो पूरा का पूरा मैं देखूंगा एंड मेरे साथ ब्रिजेश हेल्प करेगा मेरी. तो यस यही थी हमारी प्रोफाइल एंड चलते हैं रांचड़ा. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स कवर करने के बाद और यहाँ पे आगे एक फार्म है, मतलब लाइक फार्म की पूरी लाइक कॉलोनी है एंड वो सब कुछ है एंड ब्रिजेश मेरे को कर रहा था गाइड. तो यहाँ पे संतूर फार्म है, वहाँ पे हम लोगों की इवेंट है तो हम लोग संतूर फार्म में पहुँच गए एंड अंदर मुझे बंगलो नहीं पता है तो हम लोगों को जो फार्म है वो देखना पड़ेगा. फार्म या बंगलो आप कुछ भी कर दो तो फार्म ढूंढते हैं एंड वहाँ पर जाके मैं आप लोगों से मिलता हूँ. फाइनली भी पहुँचा प्रॉपर्टी पर और ये है ब्रिजेश और भाई ने बैग रख दिया अपना. भाई पूछ रहा था कि बाइक में वापस क्या करवाया, बाइक में पूरे ग्राफिक्स चेंज करवाए. तो लेट्स गो इनसाइड. भाई साहब अंदर कुत्ता भौंक रहा है, काटना तो अच्छा है सामने ही है देख. आज की हमारी प्रॉपर्टी कुछ ये वाली है एंड भैया कर रहे हैं यहाँ पे काम. सो अभी ये है हमारी साइट एंड साइट पे अभी सब जगह पे कूलर सेट करवा रहे हैं, मिस्ट फैन सेट करवाने हैं एंड इस साइड हमारा स्टेज है एंड दिस विल बी द टोटली FNB एरिया. और अभी पूरा टेबल्स वेबल सब अनकवर है, अभी कुछ
किया नहीं है, सब कुछ अभी माइनर, पहले माइनर सेट होगा उसके बाद माइनर डिटेलिंग में होगा एंड बाद में फिनिशिंग वर्क होगा। तो अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लाइक जो जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो कर दी, अभी सिर्फ छोटी मोटी माइन्यूट डिटेलिंग्स बाकी है एंड बाद में फिनिशिंग का काम होगा। फ्लावर वर्क ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ पे अभी पूरे का पूरा फ्लोरिंग क्लीन करवाना और वो सब बाकी है अभी भी। जैसे ही हो जाता है उसके बाद मैं पूरा आप लोगों को पूरे का पूरे एक बार सेटअप दिखा दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 3:45 और फाइनली अंदर का सब कुछ काम ख़त्म हो चुका है एंड आप लोगों को एक बार मैं पूरा वेन्यू दिखा देता हूँ एंड साथ में मेरे को फ़ोटोज़ भी खींचना, तो वो भी मैं खींच लेता हूँ। तो दिस इज़ द एंट्री एंड एंट्री में पूरे का पूरा हम लोगों ने फ्लावर वर्क किया हुआ है, नीचे कारपेट है। सो दिस इज़ द एंट्री। आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पे सामने लगाया हुआ है जिनकी फंक्शन है उनका पूरा लगाया हुआ है एंड अंदर एंटर होते ही पूरा का पूरा वेन्यू है एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली सामने की तरफ है दो स्टेजेस, एक है फॉर द कॉकटेल काउंटर एंड सेकेंड इज़ फॉर द डीजे एंड एवरीथिंग। बाकी सब जगह पे सिटिंग है, सामने पूरा F&B एरिया है एंड हियर इज़ द हुक्का काउंटर। बाकी सब पूरे वेन्यू पे कूलर्स लगाए हुए हैं, मिस्ट फैन लगाए हुए। मेरी आवाज़ जो थोड़ी स्लो आ रही होगी वो इसी वजह से आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग लाइक बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही है कूलर की वजह से एंड बाकी जो सारे फ़ोटोज़ रहेंगे वो मेरे इंस्टा स्टोरी पे मिल जाएंगे, तो डू फॉलो मी इन द इंस्टा। बाकी यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की हुई है, लाइक छोटे छोटे हम लोगों ने किए हुए हैं और प्रॉप्स रखे हुए हैं एंड सामने रखा हुआ है, सामने हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है मेक अ विश, साइन योर नेम एंड क्लिप इट अप। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी विश देनी हो आप विश दे सकते हो एंड क्लिप कर सकते हो। दिस इज़ द F&B एरिया। सो यस, दिस इज़ द वॉल F&B एरिया। ये पूरा सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बेसिक प्रिपरेशंस कल हो चुकी थी बट फिनिशिंग में टाइम लगा था, इसके लिए फिनिशिंग अभी हम लोगों ने किया हुआ है। बाकी दिस इज़ द वॉल वेन्यू एंड एवरीथिंग। अभी मैं जा रहा हूँ फ़ोटोज़ क्लिक करने एंड बाकी सारी चीज़ें करने के लिए, तो फोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ एंड इवेंट ख़त्म होता है। इवेंट ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ये भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेरे को ब्लॉग करने के लिए। तो सी यू सून। सो मॉर्निंग में जब हम आए थे तभी ये वाला डॉग जो बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा था, चिल्ला रहा था एंड कोई इसके साथ खेलने वाला नहीं था, तो मैंने और ब्रिजेश इसके साथ थोड़ी देर खेले एंड मस्ती वस्ती की, तो ये भी हमारा फ्रेंड बन गया और ज़्यादा कुछ मस्ती वस्ती कर रहे थे तो फ्रेंडली हो गया था। तो बस ये बीच में मैंने छोटी सी क्लिप डाल दी। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. So, right now I'm at my event and भाई साहब मेरे को एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी दिख गई है, वो मैं गाड़ी दिखाता हूँ, एक बार आप लोगों को एग्जॉस्ट का साउंड भी सुनाऊंगा। तो चलते हैं गाड़ी के पास, कौन सी है आप लोग गैस कीजिएगा, बाकी चलते हैं। So here is the beast and भाई साहब क्या ही लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, अहमदाबाद रजिस्टर्ड Porsche है। बहुत ही प्यारी आवाज है, एक बार आप लोगों को अंदर से भी दिखाता हूँ। तो भाई साहब क्या ही फीलिंग आ रही है, Porsche भाई साहब, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को अपने इवेंट में Porsche देखने को मिलेगी। भाई साहब बहुत ही प्यारी गाड़ी है एंड कुछ Porsche का हैंडल ऐसा लग रहा है, भाई साहब बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मजा आया देख के एंड ये जिनकी गाड़ी है
वो अभी हमारे इवेंट में है, तो उनसे मैंने पूछा एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आए उनका वीडियो के लिए। बाकी बस इसके लिए यही था, फोटोज क्लिक करते हैं एंड फिर चलते हैं वापस अपने इवेंट में। सो अभी पोर्शो के साथ कुछ फोटोज क्लिक करवाए एंड आप लोगों को वो फोटोज इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेंगे, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ पे आ रही होगी। बाकी अभी चलते वापस इवेंट में एंड बस बने रही है व्लॉग में एंड इसके बाद अभी व्लॉग एंड कर देंगे खाना खाने के बाद। अभी इवेंट लेट तक चलेगा एंड इवेंट खत्म होने के बाद घर पे निकलेंगे और हमारे साथ ब्रिजेश भी है तो इसको भी ड्रॉप करना है एंड बाकी भाई साहब बहुत ही बढ़िया बढ़िया पिक्स आ गए हैं आज के लिए। तो सो राइट नाउ इट्स 11:30 एंड मोस्टली सब लोग निकल चुके हैं, अभी मैं और ब्रिजेश दो ही बाकी है। ये रहा हमारा ब्रिजेश, इसने आप लोगों को हमारे जयपुर वाला जो ब्लॉग आया था उसमें देखा होगा एंड अभी मैं जा रहा हूँ घर पे एंड डायरेक्टली मिलता अभी मोटर ब्लॉगिंग पे एंड अभी नींद आ रही है। आई डोंट नो कैसे राइड करूँगा, ये चलाएगा भाई, क्योंकि भाई को भी बड़ा शौक था अपनी बाइक चलाने का। तो निकलते हैं यहाँ से एंड मिलता आप लोगों को मोटर ब्लॉगिंग। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एंड यहाँ से अभी भी हम लोगों को 28 किलोमीटर्स होता है एग्जैक्ट एंड मैंने बीच में जब हम लोग खाना खा रहे थे तब मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, उसका रीज़न यही था क्योंकि कुछ गेस्ट थे तभी, जब भी उनके सामने मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकता था तो उसी की वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया। एंड अभी बहुत ही सारी जगह पे लाइक लाइट्स वाइट्स कुछ भी नहीं है तो फिर उसी की वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी चलते हैं अहमदाबाद एंड अहमदाबाद जाके मैं व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। सो रीच्ड अहमदाबाद एंड अहमदाबाद में भी ओ अंकल जी थोड़ा अरे 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 अंकल जी पूरा गुस्सा ही दोगे क्या। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी एस्पिरिंग रोड, लाइक यहाँ से अहमदाबाद अभी 6 to 7 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है नहीं। और बाकी ये वाला जो व्लॉग है वो अपने यहीं तक रखते हैं एंड पिछले 18 से 19 किलोमीटर में कहीं पर भी लाइट्स नहीं थी तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया एंड ये वाला व्लॉग जो है वो अपने यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे अभी घर और टाइम हो रहा है अभी 12:15 लगे हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ अंधेरा था पूरा एंड आई डोंट वॉन्ट कि भाई मेरे साथ ब्रिजेश भी है यार कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए एंड रात का टाइम था तो मैंने रिस्क नहीं लिया फास्ट चलाने का, 35-40 की स्पीड पे मैं चला रहा था। तो बस गाइस दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक द टुडेज वीडियो एंड मिलते हैं एक ऐसे ही किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग, साइनिंग ऑफ दिशांत। बी लाइक करना मत भूलना प्लीज गाइस एंड प्लीज सपोर्ट करना क्योंकि आपके भाई के ऑलरेडी 700 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ हम लोगों को करना है 1000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज सपोर्ट मी टू ग्रो। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।